न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने हबी बैंक की अमेरिका में वाहिद ब्रांच पर 62,96,25,000 का जुर्माना आयद कर दिया है। हबी बैंक लिमिटेड ने जुर्माना आयद होने के बाद डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि बैंक के मुखलिस और वसी पैमाने पर इस्लाहाती इकदामात के बावजूद DFS ने अभी तक अहम पेशरफ्त की तारीफ नहीं की। इसीलिए फैसला किया गया है कि HBL अमरीका में अपने ऑपरेशन को मुनज्जम तरीके से बंद कर देगी। दरख्वास्त में कहा गया कि HBL इस वक्त मुकर्रर करदा इंतजामी समात और कानून की अदालतों में सख्ती से मुकाबला करेगा। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने हबीब बैंक की अमेरिका में ब्रांच बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है।